चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में बसा राज्य के 22 जनपदों एवं 11 नगर निगमों में एक HR-02 से पंजीकृत होने वाले वाहनों का अधिकृत नगर, लकड़ी एवं कागज उद्योग के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध यमुनानगर जगाधरी। शहर के पूर्वी छोर से बहने वाली यमुना नदी हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की सीमा तय करती है। सहारनपुर की ओर से आने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग शहर के दक्षिणी छोर से होकर सेक्टर 2 औद्योगिक क्षेत्र थाना सदर खानचंद चौक सरस्वती शुगर मिल्स विश्वकर्मा चौक होकर पश्चिम की ओर लाड़वा कुरुक्षेत्र आदि की ओर प्रस्थान कर जाता है। यमुनानगर शहर की यात्रा को प्रारंभ करते हैं रेलवे स्टेशन यमुनानगर जगाधरी से। इस बेहद व्यस्त रेलवे स्टेशन से सहारनपुर अंबाला रेल लाइन गुजरती है। यहाँ से दिल्ली पंजाब उत्तर प्रदेश आदि के लिए रेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। रेलवे स्टेशन परिसर से उत्तर की ओर मुख्य शहर में प्रवेश किया जाता है। स्टेशन परिसर से बाहर निकलते ही रेलवे स्टेशन चौराहा दिखाई पड़ता है। यहाँ पश्चिम की सड़क सहारनपुर रोड की ओर एवं उत्तर की सड़क रेलवे रोड के रूप में पहचानी जाती है। यह सड़क यमुनानगर महानगर की जीवन रेखा है। यह रेलवे स्टेशन से जगाधरी तक विशाल आकार में फैली हुई है। 1801 में यह क्षेत्र ब्रिटिश प्रशासन के अधीन हुआ। अंग्रेजों ने अंबाला जनपद का सृजन किया एवं जगाधरी को तहसील का दर्जा प्रदान किया गया। उस समय यमुनानगर अब्दुल्लापुर नाम के एक छोटे से गांव के रूप में जाना जाता था। 1867 में जगाधरी को नगरपालिका का दर्जा प्रदान किया गया। 1886 में मुरादाबाद अंबाला रेलमार्ग बनने पर स्टेशन के आसपास आबादी बसना प्रारंभ हुई। आज़ादी से पूर्व ही यमुनानगर एक छोटे कस्बे के रूप में विकसित हो चुका था। उत्तर की ओर बढ़ते हुए रेलवे रोड पर एक महत्वपूर्ण चौराहा शहीद भगत सिंह चौक नजर आता है। यह चौराहा शहर के व्यस्त चौराहों में एक है। चौराहे से पश्चिम की ओर एक महत्वपूर्ण सड़क वर्कशॉप रोड के रूप में प्रारंभ होती है। भगत सिंह चौक के निकट ही नगर निगम यमुनानगर जगाधरी का कार्यालय भी स्थित है। भगत सिंह चौक के निकट ही मीना बाजार एवं छोटी लाइन बाजार भी स्थित हैं। रेलवे मार्ग यहाँ से जगाधरी की ओर उत्तर की ओर बढ़ जाता है। आज़ादी के पश्चात पाकिस्तान में सम्मिलित हुए क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग आकर यहाँ बसे एवं 1966 में हरियाणा राज्य का गठन होने पर यमुनानगर जगाधरी को हरियाणा राज्य में सम्मिलित किया गया। आगे बढ़ते हुए पश्चिम की ओर मॉडल टाउन स्थित है। यह क्षेत्र शहर के सबसे विकसित आवासीय क्षेत्रों में एक है। क्षेत्र में तेजी से आवासीय एवं औद्योगिक गतियां विकसित होने पर 1989 में अंबाला जिले से अलग कर यमुनानगर को जनपद का दर्जा प्रदान किया गया। मॉडल टाउन में नेहरू पार्क एवं गुरुद्वारा भी स्थित हैं। यह क्षेत्र विशाल आकार में बसा हुआ है। मॉडल टाउन के उत्तर में गोविंदपुरी मार्ग स्थित है, जो वर्तमान में पूर्णतः आधुनिक वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्सों से सुसज्जित नजर आता है। यह सड़क पूर्व में बाईपास मार्ग से पश्चिम में रेलवे रोड तक विशाल आकार में फैली हुई है। भगत सिंह चौक से पश्चिम में वर्कशॉप मार्ग भी बेहद मुख्य सड़कों में एक है। यह रामपुरा औद्योगिक क्षेत्र एवं मॉडल टाउन के मध्य सीमा करते हुए पूर्व की ओर कमानी चौक की ओर जाती है। यमुनानगर जगाधरी के महानगरीय क्षेत्र में वर्तमान में 486,000 की विशालकाय जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या की दृष्टिकोण से हरियाणा राज्य का 6ठा सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। वर्कशॉप मार्ग बस स्टैंड के निकट से होकर गुजरता है। यमुनानगर बस अड्डा से दिल्ली पंजाब उत्तर प्रदेश समेत हरियाणा के समस्त मुख्य शहरों को बस सेवाएं उपलब्ध हैं। वर्कशॉप मार्ग पश्चिम में कमानी चौक पर पहुंचता है। कमानी चौक को महाराणा प्रताप चौक के रूप में भी जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण चौराहे से पश्चिम की ओर जगाधरी रेलवे वर्कशॉप, उत्तर की ओर जिला न्यायालय जगाधरी बस अड्डा चौक एवं दक्षिण की सड़क रेलवे ऊपरगामी सेतु को पार करके लाड़वा मार्ग स्थित विश्वकर्मा चौक पर जुड़ती है। रेलवे रोड उत्तर की ओर बढ़ते हुए सुभाष नगर बसंत नगर आदि क्षेत्रों से गुजरकर जगाधरी स्थित महाराजा अग्रसेन चौक पर पहुंचता है। अग्रसेन चौक से उत्तर की सड़क बोरिया चौराहा होकर छछरौली एवं पौंटा साहिब की ओर पूर्व में पुराना सहारनपुर मार्ग एवं पश्चिम में अंबाला रोड प्रारंभ होता है।
अंबाला मार्ग जगाधरी की मुख्य सड़कों में एक है। यह सड़क मटका चौक, जगाधरी बस अड्डा चौराहा आदि से होकर पश्चिम में अंबाला की ओर प्रस्थान कर जाती है। मटका चौक से उत्तर की सड़क रेलवे रोड के रूप में मुख्य जगाधरी शहर में प्रवेश करती है। जगाधरी का वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है। रेलवे रोड से गुजरते हुए जगाधरी के मध्य में स्थित बाजार चौक दिखाई पड़ता है। यह चौराहा जगाधरी शहर का केंद्र बिंदु है। इस महत्वपूर्ण चौराहे से उत्तर की सड़क देवी भवन बाजार के रूप में जानी जाती है। पश्चिम की ओर खेड़ा बाजार स्थित है। यह बाजार व्यापारिक दृष्टिकोण से जगाधरी का सबसे महत्वपूर्ण बाजार है। बड़ी संख्या में शहर के लोग एवं दूर दराज के ग्रामीण यहाँ खरीदारी हेतु एकत्रित होते हैं। बाजार चौक से पूर्व की ओर का बाजार पंसारी बाजार के रूप में पहचाना जाता है। पंसारी बाजार पूर्व की ओर बुढ़िया गेट के रूप में जाना जाता है। यमुनानगर जगाधरी शहर में कानून एवं शांति व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु महानगर को कुल 6 थाना कोतवाली क्षेत्रों, कोतवाली यमुनानगर शहर, कोतवाली जगाधरी शहर, थाना यमुनानगर सदर, थाना जगाधरी सदर, थाना सेक्टर 17 एवं थाना गांधीनगर में विभाजित किया गया है। बुढ़िया गेट बाजार अपने पूर्वी छोर पर पावड़ा साहिब रोड स्थित बुढ़िया चौराहे पर जुड़ जाता है। यमुनानगर जैसे सुंदर महानगर को कैमरे में कैद करना मेरे लिए एक सुखद अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। यमुनानगर महानगर पर बनाई यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो यमुनानगर जगाधरी एवं यमुनानगर जनपद से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।